नरेगा की एक दिन की दिहाड़ी 1 अप्रैल 2020 से 356 रुपए होगी। कोरोना की आड़ में मजदूर की दिहाड़ी में थे 45 रुपए काट लिए। किसान ना बैठो की थे नाज मांगे थे 5-5 किलो दे दो। मजदूरा ने देना नाज नहीं, उनकी दिहाड़ी में थे खान लाग रही सरकार, उनको रोजगार नहीं मिल रहा। आज जो स्थिति खड़ी है, इस बात को लेके जो तमाम बहन भाई आए हैं और ये लड़ाई साथियों में ये कहना चाहता हूँ, जिस समय पे सरकार की ये जिम्मेवारी थी कि हर घर को राशन मुहैया करवा दे, अभी 3 दिन पहले की बात है जो बनी हुई है, इस बात को लेके जैसे ये बीमारी आई एक अवसर की तरह बनाने की सरकार ने जो कोशिश की, आज जो लोग हम यहाँ बैठे हैं, अब ये जो बहने ये तसले कस्सी जो लेकर है, हम पिछले 3 महीने से, मैं रोहतक के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, पिछले 3 महीने से जिला प्रशासन को कह रहे हैं, लोग नरेगा में काम चाहते हैं, मगर गाँव के अंदर जितनी बड़ी संख्या में आज बेरोजगारी है, मंदी आ गई, काम नहीं, लोग काम चाहते हैं, काम मिल नहीं रहा। यहाँ जो अफसर बैठे हैं वो या कम है अक मजदूर करना नहीं चाहते। गांव के अंदर तड़के सांझ दोपहरे किससे टाइम चले जाओ, लोग काम के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, काम नहीं मिल रहा। और एक बड़े पैमाने पे जो एक योजना 2004 में जब वामपंथी पार्टियों के दम पे यूपीए सरकार चल रही थी, मनरेगा का कानून बना, जिसको उस समय की तत्कालीन सरकार नर ई बाली ने भी, मोदी साहब तो न्यूकम थे, ये तो खड्डे खोदने का काम है, यही यहाँ का प्रशासन, हम गए आप ये बताओ, आप मजदूरों से एक दिन में 2 दिन का काम करवाते हो, यहाँ का पीओ क्या कहता है, अरे यार इतनी बात समझ लो, एक ट्राली माटी न्यून करनी है। मजदूरों को इंसान नहीं मान रहा प्रशासन, जो पैमाइश है उसमें रोड़ जॉब कार्ड खातर कमें रोजगार दे दो। हम अधिकारियों की मीटिंग में जब गए तो बहुत सारे अधिकारी जिनकी जिम्मेवारी थी गाँव में नरेगा चालू करवाने की, आज गाँव में नरेगा चालू नहीं हो रहा। ये जो बहने अपनी और ये जो भाई, ये जो कस्सी ठा के ले रहे हैं, तासले ठा के ले रहे हैं, आज जो आपने कोरोना एक बीमारी है समझ आती है, उससे हमारे देश के लोग लड़ रहे हैं, मगर उस समय पे जब पूरा देश इस महामारी से लड़ रहा है, आपका जो ये रवैया है मजदूरों के साथ, किसानों के साथ, क्या बात थी, वादा तो यूं था अब 2022 तक सबको मकान बना के दे देंगे, अब कितने भाई बहन बैठे हैं, 4-4 बे मकान ना के फार्म भरवा लिए, फार्म भर दो, फिर न्यूकम 6 महीने पास रद्द हो गया, घर टूट के पड़न न हो रहे, न्यू निबेरा कुणबा तड़के है, अगर जब ठीक ठाक बरस गया सब ता लकड़ेगा कि नहीं लकड़ेगा। आज दे घरा में ऐसी हालत बनी पड़ी है गाँव के अंदर, उस स्थिति में कोई उसकी बात नहीं, वादा 2 साल में कैसे आप मकान बना के दे दोगे, वादा था 100 दिन में रोजगार देने, 100 दिन का रोजगार देने का, वो भी आप पूरा नहीं कर रहे। और हरियाणा में तो और शर्म की बात, एक तरफ तो ये कह रहे थे हमने तो दिहाड़ी बढ़ा दी, हरियाणा सरकार ने 8 जनवरी की जो हड़ताल हुई मजदूरों की, जिसमें किसान भी साथ आए, ये बात सरकार को माननी पड़ी थी, नरेगा की एक दिन की दिहाड़ी 1 अप्रैल 2020 से 356 रुपए होगी। कोरोना की आड़ में मजदूर की दिहाड़ी में थे 45 रुपये काट लिए। किसान ना बैठो कि थे नाज मांगे थे 5-5 किलो दे दो। मजदूरा ने देना नाज नहीं, उनकी दिहाड़ी में थे खान लाग रही सरकार, उनको रोजगार नहीं मिल रहा। आज जो स्थिति खड़ी है, इस बात को लेके जो तमाम बहन भाई आए हैं और ये लड़ाई साथियों में ये कहना चाहता हूँ, जिस समय पे सरकार की ये जिम्मेवारी थी कि हर घर को राशन मुहैया करवा दे, अभी 3 दिन पहले की बात है, मैं छोटी बहू में बहू जमालपुर में मीटिंग करने जा रहा था, एक बाण आके खड़ी होगी, घर देखा कदी टूटा पड़ा, नुबलिया जी 5 साल पहले मेरा पीला कार्ड काट दिया, घर में कोई कमाने वाला नहीं, 3 लड़कियां थी, तीनों की शादी होगी, नुबलियो मेरा हरा कार्ड है, मैंने तो राशन भी को नहीं मिला। ये गरीबों के साथ जो जलालत इस समय पे, एक तरफ आपका वायदा है नवंबर महीने तक सबको फ्री देंगे, जिस समय पर रोजगार नहीं है आप रोजगार छीन रहे हो, उनके लिए रोजी रोटी का जो प्रबंध सरकार ने करना था वो नहीं कर रहे, और ऊपर से हरियाणा के अंदर आपने क्या कह दिया, 1000 दिनों तक कोई श्रम कानून नहीं होगा फैक्ट्रियों के अंदर, मजदूरों से 12 घंटे काम करवाना
उनते न्यूनतम वेतन देना ना देना या फैक्ट्री मालिका की मर्जी कर दी। ये कोरोना की आड़ में किसने कहा था ये करने की? ये असल में गरीब लोगों का खून चूस के ये मुनाफे वाले जो लोग हैं कंपनियों के जो मालिक, उनके मुनाफे बढ़ने की योजना चल रही है और इसीलिए आज ये श्रम कानून पर कुठारा घात है। हम देखते हैं अब निर्माण मजदूरों का, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी। एक तरफ तो संजीव जो कह रहा था दिहाड़ी मारने का सवाल, ये बलम्बा गांव के साथी बैठे काम करवा लिया 61,000 रुपये, बाहर से आके साथियों ने काम कराया, मजदूरों ने पीछे नहीं दिए, धरना प्रदर्शन करके पैसे तब मिलते हैं। यह है कानून व्यवस्था की हालत। तो ये जो आज आलम बना हुआ है, और जो मैं कह रहा था 2007 में एक कानून हमने लड़के हरियाणा में बनवाया था, देश के स्तर पर भी ये लाल झंडे की सरकार थी, देवगौड़ा प्रधानमंत्री होते थे,